खबर अलवर के बहरोड से है, जहां गोकुलपुर गांव में दूध की डेयरी पर हुई फायरिंग और गाड़ियों को जलाने के मामले को लेकर पुलिस ने 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस पूरे मामले का खुलासा भिवाड़ी एसपी अमनदीप सिंह कपूर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए किया है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एसपी कपूर ने बताया कि फायरिंग मामले में अब तक 10 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है और आगे की कार्रवाई भी चल रही है। वहीं पपला फरारी मामले में एसपी कपूर ने कहा कि पुलिस जल्द ही पपला को गिरफ्तार करेगी। आपको बताते चले कि पिछले दिनों दूध डेयरी पर बदमाशों ने फायरिंग कर कई गाड़ियों को जला दिया था, जिससे पूरे इलाके में दहशत फैल गई थी।